माइक कहाँ है सर? हाँ माइक तो ज्यादा हो गया सर। सर हम बहुत ही भयानक दौर से आजकल गुजर रहे हैं, जैसे मनोज झा ने कहा, सभी वक्ताओं ने बात कही, रामनाथ ठाकुर जी नहीं है, तालियां बजाओ थालियां बजाओ, फिर गालियां भी खानी पड़ती है। देखिए हम विज्ञानवाद में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था महाभारत का युद्ध 18 दिन चला और जीत गए, हमें 21 दिन चाहिए कोरोना का युद्ध जीतने के लिए। और कितने 21 दिन चाहिए, मैं ये सवाल हमारे नए हेल्थ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं। इसलिए कि एक युद्ध में, 2 साल के युद्ध में एक हेल्थ मिनिस्टर का तो बलि का बकरा बना दिया। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये कोई श्रेयवाद की लड़ाई नहीं है, ये कोई जुमलेबाजी का विषय नहीं है, ये एक राष्ट्रीय आपत्ति है। और हम सब लोग, चाहे देश हो चाहे राज्य हो चाहे गांव हो, हम सब इस राष्ट्रीय आपत्ति से अपने अपने स्तर पर लड़ रहे। हम सभी ने यहां जो बैठे, हम सभी ने इस काल में किसी ने किसी को, नजदीक व्यक्ति को खोया है, चाहे परिवार में हो चाहे मित्र हो चाहे यहाँ के हमारे साथी हो। यहाँ राजू सातव जी, अहमद पटेल जी, महापात्रा जी, सुरेश आंगड़ी जी, वहां लोकसभा में एक्स मेंबर्स, सभी को हमने खोया है। और तकलीफ है, राजू सातव तो 2 दिन पहले हमसे बात कर रहे थे हॉस्पिटल से वीडियो कॉल पे, 2 दिन पहले हमसे बात की उसने, ऐसा मंजर हमने कभी नहीं देखा। स्मशान में 24-24 घंटे तक मृतकों की कतार लगी रही थी, एम्बुलेंस दो दो दिन स्मशानों के बाहर एम्बुलेंस लगी रहती थी, गंगा के जहां जहां गंगा का प्रवाह चलता है, पटना तक बंगाल तक जहां वहां तक ये कोरोना के जो मृतों के शरीर तैरते तैरते वहां तक जाते थे हजारों। लेकिन कल वाराणसी में हमारे प्रधानमंत्री जी गए, वहां बहुत प्रशंसा की, वाराणसी में तो सबसे ज्यादा। देखिए क्या गंगा मैया झूठ बोल रही थी, जो अपने साथ इतने शवों को लेकर हमारे सामने आ रही थी, गंगा मैया तो झूठ नहीं बोल रही थी। जिस तरह से जिस तरह से गंगा के किनारे हजारों शवों को दफनाया गया, जैसे भी लाकर, वो हम सबने देखा है, पूरे विश्व में देखा है। और इस शवों का अपमान, डिग्निफाइड मौत नहीं मिली उनको, अंत संस्कार नहीं हुआ। इंडियन पिनल कोड 297 जहां लिखा है कि शवों का अपमान नहीं होना चाहिए, वो गैर कानूनी है और अपराध या दंड है। लेकिन हमने हजारों शवों को इस तरह से फिर एक बार मारा है, कुचला है और अपराध किया है, ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं किसी एक व्यक्ति को, एक सरकार को दोष नहीं देता हूं, बात सिस्टम की है और सिस्टम के पीछे जो व्यक्ति है उनके बारे में है। लेकिन सरकार से हमारा सवाल है कि आप आंकड़ा क्यों छुपा रहे हो? कितने लोगों को, कितने लोग हमसे बिछड़ गए, आप बताइए, सही आंकड़ा बताइए। जो रिपोर्ट्स है वो सरकारी आंकड़े से ज्यादा है, सही बताए। देश में देखिए महाराष्ट्र और राज्य के बाद छोटी सी, चेयर को एड्रेस करें। हाँ चेयर, देखिए आप प्लीज उनको बताइए। नहीं, प्लीज आप एड्रेस करें। आज भी लॉकडाउन चल रहा है सर, लॉकडाउन का अपना एक दर्द है, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन यही एकमात्र उपाय या मात्रा नहीं है। बात अगर हम वैक्सीनेशन की करते हैं तो पूरे, अरे महाराष्ट्र तो करेगा, महाराष्ट्र तो सबसे ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है महाराष्ट्र मॉडल पूरे देश में लगाइए, आप लगाएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मुंबई मॉडल को आप इस्तेमाल करिए।
ये मद्रास हाईकोर्ट का आदेश है कि मुंबई मॉडल को आप ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन और कोविड सेंटर के बारे में जो कहा है आप पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। आप क्या मुझे बता रहे हो महाराष्ट्र महाराष्ट्र, आप आकर देखिए महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है, आप आकर देखिए एक बार। संजय जी आप समाप्त कीजिए, संजय जी आप समाप्त, इंडिया संजय जी इंडिया समाप्त कीजिए आप। नहीं नहीं कुछ नहीं, योर टाइम इज ओवर। क्या योर टाइम इज ओवर? अरे अभी तो मैंने शुरू किया है। योर टाइम इज ओवर। नहीं नहीं मेरा टाइम कितना है आप बताइए। फाइव मिनट तो पांच मिनट नहीं हो गया है? नहीं हो गया, पांच मिनट नहीं हुआ। यू स्टार्टेड ऑन आपका टाइम टीम पर। तो सर तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चलता रहेगा, लेकिन मास वैक्सीनेशन नहीं इससे चलेगा। हमारे देश में अब तक कितने वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं? 125 करोड़ का देश है, कितने परसेंट हम वैक्सीन अब तक कर चुके हैं? आज भी देखिए पूरे देश में चाहे महाराष्ट्र के कुछ शहर हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है। थैंक यू संजय जी। आज भी वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग दंगा कर रहे हैं। थैंक यू संजय जी। नेक्स्ट स्पीकर। नहीं नहीं नहीं, और हमने छह करोड़ वैक्सीन विदेश में भेज दी, हमने 9000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन विदेश में भेज दिया है। नहीं अब समाप्त करिए प्लीज, इससे हमारी हेल्थ केयर की पूरी पोल खोल। प्लीज समाप्त कीजिए आप संजय जी। नेक्स्ट स्पीकर इज आप। ये हम अभी हम तीसरी लहर अशोक सिद्धार्थ, हम तीसरी लहर की बात। अशोक सिद्धार्थ जी।